एक साथी ने कहा कि सर आप बार बार कहते हैं सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा कर्जा माफ करना चाहिए मान लीजिए कल आप सरकार में आ गए या आपके लोग आ गए या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कैसे सरकार कर्जा माफ कर देगी इतना पैसा लोगों के ऊपर कितना कर्जा पता है लाखों करोड़ रुपया कर्जा है कैसे आप माफ करवा देंगे आप कैसे दावा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक रुपया कर्जा माफ हो जाएगा और सरकार डूब जाएगी बैंक डूब जाएंगे जिन बैंक कर्जा माफ होगा साथियों मैंने पहले भी कहा था चाहे बैंक का लोन है प्राइवेट फाइनेंसियर से लिया किसी साहूकार किसी रिश्तेदार किसी जानकार से लिया एनबीएफसी से लिया कहीं से भी पैसा लिया गया है लोन माफ भी होगा बैंक डूबेंगे भी नहीं सरकार पर भी बर्णन नहीं पड़ेगा इसका इलाज है तभी बात बोली जा रही है हम मूर्ख नहीं है पढ़े लिखे लोग हैं यार हमारे साथ सीए जुड़े हुए हैं हमारे साथ एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ लॉयर जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए जो जानते हैं फाइनेंस को और उन्हें पता है सरकार कैसे जनता को राहत दे सकती है मैंने पहले भी बताया था वीडियो बना करके मैं फिर बता रहा हूं सरकार को कुछ भी नहीं करना सरकार के ऊपर एक रुपए का बर्डन नहीं पड़ेगा सरकार क्या कर ले सरकार तय कर ले जितना भी अनक्लेम्ड अमाउंट है सरकार के पास बैंकों में है इंश्योरेंस कंपनीज में है वो अनक्लेम्ड अमाउंट ही जनता की कर्जा माफी के लिए यूज कर ले और कितना अमाउंट है पता है लगभग दो लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है आप समझिए दो लाख करोड़ रुपए पता है कितना होता है अगर दो लाख लोगों का एक एक करोड़ रुपए का लोन माफ किया जाए तो लो दो लाख करोड़ बनेगा साहब और जितने लोग भी आप सुन रहे हो अगर एक करोड़ रुपए की राहत दे दिया, तो आप में से नब्बे पिचानवेट लोगों का लोन माफ हो जाएगा अच्छा जिनका माफ नहीं कर सकती सरकार उनको दो साल का समय दे दें कि भाई आपका लोन तो माफ नहीं हो सकता है दो साल तक आप कोई किस नहीं भरेंगे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा कोई पेनल्टी नहीं कोई सरचार्ज नहीं हो जाएगा सम, समस्या का समाधान जब बड़े बड़े लोगों को राहत दी जा सकती है बड़े बड़े उद्योगपति की मदद की जा सकती है आम जनता की मदद नहीं कर सकती का सरकार सरकार आम जनता से ही तो बनती है और मैंने बार बार कहा है या तो वर्तमान सरकार जनता की इस बात को मान ले जनता की कर्जा माफी के लिए काम कर दे वरना ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता का कर्जा माफ करेगी और पहली कैबिनेट का पहला निर्णय होगा जनता को कर्जा मुक्त करना करना ही पड़ेगा क्योंकि यदि देश की जनता कर्जे की दलदल में फंसी रही वो देश कभी महान नहीं बन सकता वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता वो देश कभी महाशक्ति नहीं बन सकता जिस देश की जनता कर्जे की दलदल में हो और से बड़े बड़े उद्योगपति सरकार सरकार नहीं होती होती आम जनता की भी इसके भी है इसके अलावा भी रणनीतियां ऐसा कोष बनाया जा सकता है जो कर्जे में फंसे लोगों को राहत देने का काम करे खासकर से वो लोग जो सुसाइड करने के बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं जिनका प्रॉपर्टी गाड़ी छीन ली गई है छीनी जाने वाली है उन्हें उन्हें राहत दी जा सके और जितने लोग कर्जे में फंसे ना उन्हीं से मिला करके ऐसा फंड सरकार बना दे और उस फंड से उनकी मदद कर दे तो भी सरकार के ऊपर बढ़ना नहीं पड़ेगा सीएसआर फंडिंग जो है उसका इस्तेमाल कर सकती है सरकार तय कर ले कि एस फंडिंग का सारा उपयोग जो है वो आम जनता के कर्जा माफी के लिए होगा कॉर्पोरेट से लिया जनता को दे दिया जब जनता का पैसा अमीरों को दिया जा सकता है लोन के रूप में राहत के रूप में सपोर्ट के रूप में तो क्या अमीरों से लिया हुआ पैसा जो उनका जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति वो जनता के लिए यूज नहीं हो सकता और आप अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में जो सीए सुन रहे हैं मुझे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट सुन रहे हैं जो बैंकर सुन रहे हैं वो मुझे बताएं कि क्या जो अनक्लेम्ड अमाउंट है बैंकों में पड़ा हुआ इंश्योरेंस कंपनीज में पड़ा हुआ क्या वो सरकार यूज नहीं कर सकती जनता कर्जा माफी के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या सरकार प्राइम मिनिस्टर राहत कोष नहीं बना सकती है पीएम केयर फंड की तरह कोई फंड नहीं बना सकती है कर्जा मुक्ति फंड नहीं बना सकती है कर्जा मुक्ति कोष नहीं बना सकती है डेट रिलीफ फंड नहीं बना सकती है जिसमें वो लोग पैसा डालें जो भी चाहते हैं जनता कर्जा माफ हो जो लोग कर्ज के दंधलें फंसे वो सौ दो सौ पांच सौ रुपए महीना डालते रहे और उसमें जितना पैसा भी जिस महीने में आए जो लोग भी इमीजिएट रिक्वायरमेंट हो उनको तुरंत सरकार रिलीफ कर दे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जनता मुक्त हो सकती है कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ेंगे और इसके अलावा भी रणनीतियां और अगर आप में से किसी के पास कोई रणनीति हो कोई हो, कुछ और सलाह देनी हो सरकार को हमें तो बताइएगा भी कर कर्जा माफ करना है मुझे जनता को कर्जा मुक्त करना है बहुत सारे मार्ग मिल जाएंगे मार्ग दे दिए जाएंगे मार्ग ढूंढ लिए जाएंगे मार्ग तैयार कर लिए जाएंगे अगर एक बार आपने नियत कर ली कि जनता को कर्जा मुक्त करना है एक रुपये का बर्डन नहीं पड़ेगा साथ सरकार के